ब्यावर की पावन धरा और शंकराचार्य निरंजन देव की तपोस्थली ब्यावर शहर में पहली बार स्वामी कपिल मुनि महाराज के सानिध्य में भगवान शिव पार्वती संग शुभ विवाह एवं शिव महापुराण कथा महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। श्री शिव पार्वती विवाह समिति एवं शहरवासियों की ओर से आगामी 11 फरवरी से 18 फरवरी तक उक्त जाएगा। शिव महापुराण कथा एवं शिव पार्वती विवाह के सफल आयोजन हेतु महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज पीठाधीश कनखल उत्तराखंड के सानिध्य में सोमवार को शहर के उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मधाम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का आरंभ शुभ मुहूर्त में पंडित खेमचंद शर्मा ने मंगलाचरण के साथ किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज ने शिव पार्वती विवाह एवं शिव महापुराण कथा के भव्य आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 11 फरवरी को ब्यावर की पावन धरा और निरंजन देव की तपोस्थली ब्यावर में पहली बार शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कथा प्रारंभ से एक दिन पूर्व 10 फरवरी को यज्ञ हवन तथा ध्वजा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद 11 फरवरी से उक्त कार्यक्रम शुरू होकर 18 फरवरी 2023 तक महाशिवरात्रि पर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कपिल मुनि ने बताया कि 7 दिनों तक चलने वाली महाशिव पुराण कथा में विशेष कार्यक्रम शिव विवाह का होगा, साथ ही कथावाचक संत अंतर्राष्ट्रीय स्तर से होंगे। मुनि ने बताया कि शिव विवाह सेतु 7 प्रदेश के कलाकार विवाह उत्सव में भाग लेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, केरल, वाराणसी, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित 7 प्रदेश के कलाकार शामिल होंगे। सभी प्रदेश के कलाकारों द्वारा करीब 51 प्रकार की भव्य जीवंत झांकियां सजाई जाएगी, जो कि शहर सहित देश के विभिन्न जगहों से कथा श्रवण करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और शहरवासियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस मौके पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्त ऋषि की झांकी, यक्ष, पीठाधीश्वर, महाराज कुबेर की झांकी, भगवान राधा कृष्ण सहित विशेष झांकियां सजाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान 5 प्रकार के देश के प्रमुख बैंड भी शिव पार्वती विवाह उत्सव में शामिल होंगे, जिनमें मुख्य बैंड भागलपुर का गुलाबी बैंड विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगा। विवाह उत्सव में देश प्रदेश से बड़ी संख्या में कलाकार शामिल होंगे। संत समागम में शिव महापुराण कथा के दौरान जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज, पतंजलि पीठाधीश्वर बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य विशोखानंद जी, महामंडलेश्वर काशीर्ण पीठ और वृंदावन के संत गुरु शरणानंद जी महाराज सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत उत्सव में भाग लेंगे। इस दौरान आयोजन समिति की ओर से महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज का शोल उढ़ाकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान हरिद्वार के स्वामी नामदेव जी महाराज, साध्वी प्रभा मुनि, सूरज मुनि महाराज मौजूद रहे। इस दौरान साध्वी प्रभा मुनि ने आज तोरे भोले को आना ही पड़ेगा, गौरा के संग बिहार रचाना ही पड़ेगा की मनमोहक भजन प्रस्तुति दी। इस दौरान उपस्थित संतों ने भी शिव विवाह उत्सव तथा शिव महापुराण संबंध में अपना संबोधन दिया। प्रेस वार्ता के दौरान ब्रह्मानंद धाम के संरक्षक मोहनलाल बजाज, अध्यक्ष कान प्रकाश सिंघल, मंत्री CA RC बंसल, डॉक्टर KK मिश्रा, शिवचरण लड्ढा, मदन मोहन मोदी तथा नरेंद्र झवर मौजूद रहे। इस दौरान कपिल मुनि के सानिध्य में शिव पार्वती विवाह समिति के अध्यक्ष शंकर लाल प्रजापति, मंत्री राजेश शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेश लोढ़ा, दिनेश शर्मा सहित साधु संतों की मौजूदगी में शिव विवाह उत्सव एवं शिव महापुराण कथा के पोस्टर का विमोचन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान राजेश प्रजापति, राकेश प्रजापति, ओम प्रकाश प्रजापति, दिलीप जाजू, विष्णु हेड़ा, अजय गोयल, राजकुमार गोयल, अशोक रांका, प्रमोद जैन, मनीष रांका, प्रभात परिवार के संजय घिया, राजेंद्र शर्मा, पार्षद राजेंद्र तुनगारिया, विकास दग्धी, हेमंत कुमावत, अजय स्वामी, रामकिशोर चौहान, कृष्णचंद काबरा, डॉक्टर मदन लाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिव पुराण की कथा एवं शिव विवाह का भव्य आयोजन दिनांक 11 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर के 18 फरवरी शिवरात्रि को समाप्त होगा। उसमें विशेष कार्यक्रम जो है शिव विवाह का है। कथावाचक भी अंतर्राष्ट्रीय वक्ता आएंगे, जो अपना शिव पुराण में विशेष अधिकार रखते हैं, ऐसे विद्वानों को बुलाया जा रहा है। शिव विवाह बरात में 7 प्रदेशों के कलाकार आ रहे हैं, नामी ग्रामी कलाकार मध्य प्रदेश से, वाराणसी से, केरल से, पश्चिम बंगाल से, दिल्ली से,
मतलब कुल 7 प्रदेशों के कलाकार हैं और इसमें 50 झांकियां हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्तऋषियों की झांकी, यक्ष पीठाधीश्वर, यक्षों के पीठाधीश्वर, महाराज कुबेर की झांकी, भगवान राम की झांकी, शिव परिवार की झांकी, भगवान कृष्ण की झांकी, इस तरह से विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर सुंदर झांकियां को तैयार किया जा रहा, जिनकी संख्या लगभग 51 होगी। 5 मशहूर बैंड होंगे, उसमें से एक विशेष बैंड जो है भागलपुर से गुलाबी बैंड आ रहा है, और बड़े सुंदर सुंदर कलाकार हैं, दक्षिण भारत से भी हैं, बंगाल से भी हैं, पूरे भारतवर्ष से इसमें कलाकार आ रहे, प्रतिष्ठित संत महापुरुष भी आ रहे हैं, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज, रामदेव जी पातंजलि पीठाधीश्वर रामदेव जी योगाचार्य हैं, और अपने आचार्य विशोखानंद जी महामंडलेश्वर कालचिनी पीठाधीश्वर गुरुशरणानंद जी महाराज जो वृंदावन से पधारेंगे रमन देती से, और अनेकों महापुरुष हैं, और उसमें राजस्थान के भी महापुरुष हैं, गुजरात के भी हैं, बंगाल के भी हैं, उत्तराखंड के हैं। पुराण हेतु कथा हेतु महाराज श्री कपिल मुनि जी महाराज ने जो मुझे दायित्व सौंपा है उसे मैं पूर्ण रूप से निर्वाह करूंगा। ब्यावर की जनता को साथ लेकर सब कार्य करूंगा, भव्य आयोजन करूंगा, और सारी जनता का सहयोग चाहिए।